Hello guys, welcome to once again my YouTube channel Star Library Classes. आज हम पढ़ेंगे more than three authors की entry किस तरह से बनाई जाती है. मैंने आपको last time first author की double author की entry पहले करा चुका हूँ और जो हमारा एक format था उस एक format के through ही हम सारे catalog card की entry बनाएंगे. और मैं सबसे पहले आप लोगों को thank you कहना चाहता हूँ जिन भी students ने मेरी वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया. अब आओ हम देखते हैं फोर ऑथर की एंट्री किस तरह से की जाती है. हाँ, एक चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जब भी चार ऑथर होंगे तो एंट्री हमेशा टाइटल से होगी. एंट्री किससे होगी? टाइटल से की जाएगी. टाइटल से एंट्री किस तरह से करेंगे वो हमें देखना है, हम किस प्रकार से करेंगे. अब हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी चार ऑथर आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हमें यह देखना होता है कि चार ऑथर में कोई बोल्ड इटैलिक या स्पेशल ना हो. स्पेशल मीन्स इटैलिक रोमन में हो, कैपिटल में हो, आपका रनिंग मैटर में हो, किस भी एक्स वाई जेड जो आपको डिफरेंट दिखे वो हमारा फर्स्ट ऑथर हो जाता है. तो इसलिए हमारे पास एक टाइटल दिया हुआ है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिक्स बाय डॉक्टर एस डॉक्टर के शिव कुमार, डॉक्टर एस विजय लक्ष्मी, डॉक्टर पी सुब्रमण्यम एंड टी के नारायणा, सेकेंड एडिशन एस एस पब्लिकेशन हैदराबाद 1999, कॉल नंबर 31099, एक्सेस नंबर 3874, पेज नंबर एक्स 269, साइज 70x20 सेंटीमीटर, आईएसबीन नंबर 03694254543. आइए अब हम देखते हैं इसके मेन एंट्री किस प्रकार से की जाएगी. ये हमारी मेन एंट्री है. जब भी हमारे को टाइटल मिलता है हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉल नंबर लिखते हैं. और कॉल नंबर किससे लिखते हैं? पेंसिल से. किससे लिखा जाता है ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं. और फोर्थ रैंक हम क्या लिखते हैं? एक्सेशन नंबर. अब मैंने आपको जैसे बताया था कि चार ऑथर की एंट्री है किससे होगी? टाइटल से. हमेशा किससे बनेगी? जब भी तीन से ज्यादा ऑथर हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि तीन से ज्यादा ऑथर है तो एंट्री हमेशा टाइटल से होगी. अब यहाँ पे टाइटल से एंट्री मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे. टाइटल हमारा क्या है? टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्लैश करके फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे. यहाँ पे फर्स्ट ऑथर है डायरेक्ट सीधा नाम के शिव कुमार. फिर तीन डॉट लगाएंगे, एक दो तीन. फिर बड़ा वाला कोष्टक लिखेंगे और उसमें लिखेंगे ईटी स्पेस देंगे और यहाँ पे और यहाँ पे फुल स्टॉप. यहाँ फुल स्टॉप और कोष्टक, बड़े वाले कोष्टक को बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को. इसको हम इस तरह से लिखते हैं. तीन से ज्यादा जितने भी ऑथर होंगे हमें इस तरह से ही लिखना है क्योंकि सारे ऑथर की जिम्मेवारी हमारी फर्स्ट को दी गई है और ये एट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ हमारे को. अब इसके बाद बस सेम फॉर्मेट, जो हमारा सेम फॉर्मेट था जैसे जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में कराया था उसी फॉर्मेट को लेके अब हम इसको करेंगे. हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा एडिशन. एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी टाइटल से एंट्री होगी तो हमारे ईयर तक किस में जाएगा? सेकंड एडिशन के अंदर अंदर लिखा जाएगा. बस यहाँ पे एट ऑल और इसके बाद डॉट हाइफन. अगर यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है हमारे को क्या दिया हुआ है? सेकंड एडिशन डॉट. फिर इसके बाद हाइफन प्लेस क्या दिया हुआ है? हैदराबाद कॉलन पब्लिशर वाला क्या है? एस पब्लिकेशन. फिर कोमा ईयर 1999 देन फुल स्टॉप. फिर वही सेम यहां से नेक्स्ट पेज से लाइन से पेजेस मैंने बताया था ईयर तक ये अंदर आएगा यहां तक. बाकी सेम प्रोसेस वही आएगा जो हमने अब तक करते हुए आए हैं. तो यहां पे हमारा पेजेस आएगा, पेजेस पेज नंबर क्या दिया हुआ है? एक्स कोमा 269 पी डॉट सेमीकोलन. और इसका फर्स्ट लिखते हैं मैंने बताया था आपको 17 सेंटीमीटर फुल स्टॉप. फिर इसके बाद हमारे को और कुछ
कुछ गिवन नहीं है, सीधा हम यहाँ क्लिक क्या लिखेंगे, आईएसबीएन नंबर। आईएसबीएन नंबर गिवन है हमारे को 03694254 57, देन फुल स्टॉप। और फिर यहाँ पे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनाते हैं। सब्जेक्ट में क्या बनेगा हमारा, टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैटिक्स। तो हमारे अपने आप में क्लियर हो रहा है कि हमारा सब्जेक्ट किसका बना, स्टैटिक्स। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना, स्टैटिस्टिक्स, देन फुल स्टॉप और फर्स्ट। अब यहाँ पे नोट कीजिए आप, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है तो यहाँ पे टाइटल ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑथर की रैंकिंग करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑथर लिखेंगे, फर्स्ट ऑथर में रैंकिंग करके लिखेंगे, शिव कुमार कोमा के, देन फुल स्टॉप। बस ये हमारी मेन एंट्री बन गई। अगर हमारे को जब भी चार ऑथर दिए जाते हैं, अब हम बनाएंगे एडिट एंट्री। अब हम देखते हैं फोर ऑथर की एडिट एंट्री किस प्रकार बनाई जाएगी। देखिए कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर है, एडिट एंट्री सब्जेक्ट, और जैसे हमने स्टार्टिंग में यहां से हमने ऑथर लिखा था, अब यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल स्टार्ट करेंगे ये, और अंदर अंदर हम लगाएंगे इसको, डैश डैश अंदर अंदर लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, ध्यान रखना, ये फुल स्टॉप। और वही सेम प्रोसीजर रेस्ट डैश इन द मेन एंट्री। हमारा सब्जेक्ट क्या था, स्टैटिस्टिक्स, बस ये हमारा सब्जेक्ट की एंट्री बन गई। अब हम बनाएंगे किसकी एंट्री, टाइटल की एंट्री। टाइटल की एंट्री नहीं बनेगी इसके अंदर, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि टाइटल की एंट्री बन चुकी है। हम बनाएंगे किसकी, फर्स्ट ऑथर की एंट्री। तो यहां पे हमारा फर्स्ट ऑथर, शिव कुमार कोमक के, बट दैट्स ऑल। ये हमारी बन गई फोर ऑथर की एंट्री। अब ये इसमें आपको एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी चार ऑथर होंगे तो एंट्री किससे होगी, टाइटल से, तीन से ज्यादा जितने भी ऑथर आएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली।